बारात जाने के दरमियान डीजे बजने के कारण भूमिहार लोग ने, गांव में भूमिहार है, उन लोगों ने डीजे न बजने दिया। अच्छा। और मारपीट किया। तो ये जो चूड़ा दही तेजस्वी यादव का, यादव भूमिहार एक साथ वाला, नहीं आ रहे थे? नहीं, उन्होंने रोकने की कोशिश की, उन्होंने नहीं माना और मेरे अंकल के ऊपर लाठी रेड द्वारा और पिस्टल के बट से उन्होंने मारा और पिस्टल से एक दो फायरिंग भी की उन लोगों ने। अभी चाचा जी आईसीयू में भर्ती हैं। आईसीयू में जी, उनका ब्रेन पूरा खुला हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ जी, दिमाग इतना मारा उन्होंने जी, 4 इंच माथा फटा हुआ है। 4 इंच जी। अभी 2.5 लाख रुपया तक खर्चा हो चुका है। कितने दिन हुआ? आज 2 दिन हुआ। मेरे समाज के अलावा और जो समाज है उसके साथ भी उन लोगों ने ऐसा ही बर्ताव किया है। देखिए, हम कंकड़बाग के हैरिसन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। वजह यहां पर आने का ये कि कल गया जिले में डीजे, एक जगह पर डीजे बजाया जा रहा था, उसके बाद आगड़े समाज के कुछ लोग आते हैं, मारपीट करते हैं। हमारे साथ एक लोग जो अंदर हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं, जिनके साथ मारपीट हुई है। अब पूरा मामला क्या है हम इनसे जानते हैं। मैं गया जिला से हूँ, खिजासरा थाना हुआ, विलेज में हुआ। अच्छा। मेरे भाई का मतलब बारात जा रहा था 11 तारीख को रात 8 बजे के आसपास। बारात जाने के दरमियान डीजे बजने के कारण भूमिहार लोग ने, गांव में भूमिहार है, उन लोगों ने डीजे न बजने दिया। अच्छा। और मारपीट किया। क्या बोला कि क्यों नहीं डीजे बजा? डीजे बोल नहीं बजेगा, डीजे बजाना है कहीं अलग बजाओ, हमारे पास डीजे नहीं बजेगा। क्यों? और हम लोग का जो देवी स्थान गाँव में होता है, जो गोल लगा जाता है बराती जाते समय, उन्हीं लोग की तरफ है। अच्छा। मतलब जो देवी स्थान है वो उस समाज के लोगों की तरफ है। तो उन्होंने क्या कहा, क्यों नहीं बजेगा डीजे? महंगाई के कारण बोला कि इधर नहीं बजेगा। अच्छा। और मारपीट करने लगा। तो आप लोगों ने क्या कहा? तो हम लोगों ने क्या करा, दबंगई के कारण बोला कि इधर नहीं डीजे बजेगा और मारपीट करने लगा। मारपीट करने लगा तो हम लोग कुछ लोग घर की तरफ ही थे, शादी का माहौल था, पूरा आदमी वहाँ पहुँच नहीं पाया था, लेडी थे, 2-4 10 जेंट्स गए थे, उसमें मेरा अंकल भी थे। आप किस समाज से आते? मैं जादव समाज से आता हूँ। जी। अच्छा। तो फिर आपके अंकल वहाँ पे थे? जी, उन्होंने रोकने की कोशिश की, उन्होंने नहीं माना और मेरे अंकल के ऊपर लाठी रेड द्वारा और पिस्टल के बट से उन्होंने मारा और पिस्टल से एक दो फायरिंग भी की उन लोगों ने। अच्छा जी। मतलब आप यादव समाज से आते? कौन सा गांव बताया आपने? मई गांव जी। आपके भाई की शादी थी जी, चाचा जी उधर गए हुए थे देवी स्थान के पास। जी जी। डीजे बज रहा था जी। तो अभी चाचा जी कहाँ हैं? अभी चाचा जी आईसीयू में भर्ती हैं। आईसीयू में जी। उनका ब्रेन पूरा खुला हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ जी, दिमाग इतना मारा उन्होंने जी, 4 इंच माथा फटा हुआ है। 4 इंच जी। तो आप लोगों फिर वापस वहाँ पे कैसे, फिर चाचा कैसे पता चला आप लोगों को? नहीं, हम लोग देखे इधर कि उन सब लोग हैं वो नहीं है। तो हम लोगों ने गया तो देखा कि वो बेहोश गिरे पड़े हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने उनको ट्रीटमेंट के लिए खिजासरा अपना लोकल प्राथमिक अस्पताल ले जाने की कोशिश की, उन लोगों ने ले जाने से भी रोका। तो पर भी हम लोग किसी तरह उनको ले जा सके। आपने पुलिस के पास गए? आप लोग पुलिस के पास गए? पुलिस के पास गए, पुलिस गाँव में एक फॉर्मेलिटी की तरह वेरिफिकेशन के रूप में निभाया और कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। और ऐसा पहली बार गांव में नहीं है, मेरे समाज के अलावा और जो समाज है उसके साथ भी उन लोगों ने ऐसा ही बर्ताव किया है। ऐसे ही बर्ताव किया जी। मतलब ये पहला मामला नहीं है कि किसी की पिटाई हो गई डीजे। मतलब गाना कोई भी बजा सकता है डीजे पे, तो कोई भी, किसी का भी हक है, कोई भी बजा सकता है जी। अगर अश्लील गाना बजाया होता तो अलग बात थी। मतलब कोई भी गाना बजा सकता है। तो ये जो चूड़ा दही तेजस्वी यादव का, यादव भूमिहार एक साथ वाला, नहीं आ रहे थे? नहीं, का प्रूफ कुछ नहीं। उन लोगों ने अगर ऐसा गाना बजाया होगा जाति बाद या कुछ वाला, तो पूरा गांव गवाह है ना। अच्छा। तो नॉर्मल गाना बज रहा था और पिटाई हो गई जी? ऐसा पहली बार नहीं है, अदर कास्ट के जात के मतलब के लोग के द्वारा भी ऐसा किया गया। ऐसा किया गया जी, पिछले बीतीय 10-15 दिन पहले भी ऐसा हुआ था रविदास समाज के द्वारा। तो ऐसा क्यों करते हैं? दबंगई के कारण। क्या दबंगई? वो बोल, मैं कहूंगा वो पूरा गांव में चलना चाहिए। हाँ। मतलब कि वो जो कहेंगे वही गांव मानेगा जी। ऐसा क्यों, मुखिया क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, अब उसका मन में क्या है वो न जाने। अच्छा, अगले जात से आते हैं तो कुछ भी जी? मतलब कितने लोगों की पिटाई, कितने लोगों ने मिलकर मारा था, कुछ ऐसा था? उन लोगों ने कम से कम टोटल ही होंगे ना थे उधर, वो पूरे समाज के उधर। हम
उधर जब उसके समाज की तरफ पिटाई हुई तो उन लोग तो पूरा ही थे। तो आप लोगों ने अपना बचाव करने की कोशिश की? हाँ, बचाव करने की कोशिश, कुछ लोग दो चार पांच लोग थे तो कुछ लोग भागे, चार पांच गाड़ियां तोड़ दी, शीशा पूरा स्कॉर्पियो का डीजे वगैरह पूरा तोड़ दी। अच्छा, कुछ लोग भागने की कोशिश की, रोड़ाबाजी हुआ था। हम लोग के पास न डंडा पहना कुछ नहीं था, हम लोग तो बरियाते जा रहे थे, थोड़ी हम लोग कहीं जंग लड़ने के लिए जा रहे थे। तो आईसीयू में अभी आपके चाचा बातचीत कर पा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं कर पा रहे, अभी उनकी हालत बहुत नाजुक से नाजुक है। डॉक्टर ने नाजुक स्थिति बताई जी। कल शाम को उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, पूरा ब्रेन खुला हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि इसका स्थिति देखिए, देख दो रोज में कुछ कहा जा सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस तरह की पिटाई जी। जब आप लोग चाचा को लेकर आ रहे थे, चाचा को होश था या नहीं? नहीं, नहीं होता, नहीं होश, नहीं। तो ये जो जिस समाज का आप नाम ले रहे हैं, इससे पहले भी कितने लोगों की या किसी लोगों के साथ ऐसा किया उन लोगों ने? हमारे गांव में हमारे समाज के अलावा और भी जो समाज है उनके जैसे? साथ, जैसे रविदास, हाँ। और रमानी जो कहार कहते हैं हम लोग, ठाकुर जिसको नाई बोला जाता है, चौधरी, सबके साथ भी ऐसा बर्ताव किया, और महतो मतलब कि दागी समाज से ऐसा ही किया। सबको मारते जी? कोई शासन प्रशासन कोई इसे प्रशासन अगर स्टिक होती या कानून में उतना अथी होता तो पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी थाना में मामला जा चुका था। अगर प्रशासन सही से कार्रवाई की तो आज ये नौबत नहीं ना था। अच्छा, एक चीज बताइएगा, तेजस्वी यादव आरजेडी के जो नेता हैं, जी जी, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि अब हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है, यादव भूमियार सब साथ आ रहे हैं, तो ऐसा है क्या? हम लोग राजनीति से विलोम नहीं करते हैं और राजनीतिक से विलोम रखना भी नहीं चाहते हैं। तो मतलब कोई डीजे बजाएगा तो उसकी पिटाई हो जाएगी? तो पिटाई करने का उसका मुख्य कारण क्या है वह बताएगा ना। अभी तक जितने दिन में हॉस्पिटल में कितना खर्चा हो चुका है? अभी 2.5 लाख रुपया तक खर्चा हो चुका है। कितने दिन हुआ? आज 2 दिन हुआ। आज 2 दिन जी। और अभी भी स्थिति नाजुक है? मतलब आपके भाई की शादी थी जी, डीजे बज रहा था, और इनके भाई की शादी थी, डीजे बज रहा था, उसमें देवी स्थान जो जगह होता है, इनका कहना है कि उस समाज के लोगों के एरिया के पास है वो देवी स्थान, वहां पे डीजे बज रहा था। इनके चाचा को मना किया जाता है कि डीजे मत बजाइए, डीजे फिर भी बजता है, उसके बाद वो समाज इनके पे पिटाई कर देता है। ये यादव समाज से आते हैं। अब देखिए, कोई किसी भी इंसान का खुशी मनाने का हक है, कोई भी कहीं पे गाना बजा सकता है। सरकार भी हमें अलाउ करती है कि रात 10 बजे तक, उससे पहले तक डीजे बजा सकते हैं। ये 8:30 बजे का मामला, ये शाम 8:30 बजे का मामला है। तो रात 10 बजे तक आप डीजे बजा सकते हैं, सरकार भी परमिट करती है। अब जब सरकार परमिट करती है तो आप कौन होते हैं साहब रोकने वाले, और रोकने के बाद भी इस कदर पीटने वाले कि कोई इंसान इस हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत के लिए जूझ रहा है, उसको होश नहीं है, वो आईसीयू में पड़ा है, उसके भतीजे की शादी थी, जहां खुशी होना चाहिए था वहां गम का माहौल होता है। तो ये देखिए, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव यादव और भूमियार को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ इनकी अगर कहानी में सच्चाई है, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि गया जिला है, कौन सा थाना बताया आपने? खिजरसराय थाना हुआ। खिजर थाना और गांव मई, ये गांव के अगर किसी यादव समाज के लोगों को, किसी भी इंसान के, किसी भी समाज के लोगों को पीटा जाता है तो कतई सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कर्म से आगे होते हैं, आप अपने काम से आगे बढ़ते हैं, ना कि अगर मैं मुसलमान में सैयद हूं तो आगे हूं, मैं अपने काम से आगे हूंगा। तो इस धर्म के नाम पे, इस जातिवाद के नाम पे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गलत है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।